The contents of this programme may not necessarily represent the views of Ummah Channel. Bismillah Rahman Rahim of alaikum the Most Gracious, the Most Merciful. I am Salam and you are watching programme, Humari Sahid. ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किए जाते हैं और इस प्रोग्राम में हम एक टॉपिक पर बात करते हैं और हम माहन सेहत से उस हवाले से बातचीत करते हैं और फिर आपको दावत दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर आ, कुछ सवाल पूछिए हमारे मेहमानों से और इसके साथ साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं थोड़ी देर बाद हम टेलीफोन लाइन खोल दी जाएँगी आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये आपको बधाई देता हूँ ज़ाहिर है सर्दियों की वजह से और इसके साथ साथ दिन बड़ा कम होता है तारीख़ी की वजह से और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में एंग्जाइटी डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसे जो बीमारियां हैं वो काफ़ी आम होती हैं और मौसम भी ऐसा है कि बड़ा दिल परेशान सा रहता है इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए अगर आप भी इस सिलसिले में परेशान हैं और कुछ मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए हैं आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी पैनिक अटैक और डिप्रेशन के हवाले से मेरे साथ है मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तमसील अवान जो कि जनरल प्रैक्टिशन हैं बर्ले में काम करते हैं और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वालेकुम क्या हाल है आपको शुक्र है ठीक है सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहते हैं उम्मा चैनल पर तो जब हम टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो सर्दियों का मौसम है जाहिर है तो जब हम निकलेंगे यहाँ से तो अंधेरा छा जाएगा और अंधेरे में वैसे भी हम लोग ये you ना know, जब रोशनी होती है हर चीज़ बड़ी ब्राइट होती है मौसम अच्छा होता है तो हम खुश रहते हैं तो जब मौसम के साथ साथ ये हम थोड़े परेशान हो जाते हैं फिर सर्दी भी होती है बाहर जाने का दिल नहीं करता अंदर बैठे रहते हैं तो ये जो हम बात करते हैं एंग्जाइटी की पैनिक अटैक की डिप्रेशन की तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं समझाइए कि एंगजाइटी की अगर बात करें तो ये क्या है ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ़िज़िकल रिएक्शन होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं अब इसमें बेसिकली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हर आदमी किसी न किसी वक्त उनसे गुजरता है जैसे अगर कोई मुश्किल हालात आ गए तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की तरह का फील होता है और उसमें आपका मूड लो हो जाता है अभी मैं और बताऊँगा इन कभी कभी होता है कि किसी वजह से आपको एंजाइटी हो जाती है एंजाइटी को आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आपको किसी वजह से एक परेशानी सी होती है या बाजू एक आपको फिक्र होती है कि आगे क्या होगा तो ये मेनली एंजाइटी का ये डिफिनेशन होती है अब अगर आपको आम जिंदगी में आम हालात में थोड़े बहुत इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो ये नॉर्मल है हर एक के लिए कि मुश्किल हालात में थोड़ा सा डिप्रेशन मूड लो हो गया थोड़े अगर आपको मुश्किल हालात आ गए या कोई आपका लॉस हो गया तो उसमें एन्जाइटी पैनिक अटैक्स ये थोड़े थोड़े करके हर एक लाइफ में होते हैं प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि जब ये सिम्टम्स आपके या तो बहुत शदीद हों या फिर बहुत अरसे के लिए चलें तो ये दो, दो डिफ़िनीशन्स होती हैं हमारे पास ठीक तो एनजाइटी को फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं एन्जाइटी में आमतौर तौर पर होता है कि जैसे आप फर्ज़ करें कि आपको ट्रेन पकड़नी है और आपकी गाड़ी लेट है तो आपको अब ये फ़िक्र लग गई है कि मैं ट्रेन तक कैसे पहुंचूंगा? हाँ तो उसमें कभी कभी होता है कि आपको फिर कुछ फिज़िकल सिम्टम्स मिलेंगे मसलन आपको पसीना आएगा आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा आपको चेस्ट में बाजू का डिस्कम्फर्ट सा फ़ील होता है सांस बहुत तेज़ आता है तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको एक एन्ज़ाइटी की फीलिंग देती हैं अब ये एक नॉर्मल फिनल है कि अगर आपकी कोई रीज़न है और उसकी वजह से आपको ये बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं कभी कभी होता है कि एक नॉर्मल सरकमस्टांसिस होते हैं लेकिन आपका जो बॉडी का रिस्पांस है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह यही ट्रेन की बात है कि चलो ठीक है आपको फ़िक्र है आप अगर गाड़ी चला सकते हैं तेज आप थोड़ी सी तेज़ चलाए शॉर्टकट्स चला चला। चला। ले लिया कुछ कर लिया कुछ लोगों को ये चीज़ इतना अफेक्ट करती है कि वो उनसे फिर कुछ काम होता ही नहीं है वो जैसे हाथ पाँव फूल जाते हैं उस तरह का तो ये एक तरह का फिर पैनिक अटैक बन जाता है तो एनजाइटी डिप्रेशन पैनिक अटैक्स ये एक नॉर्मल फिनोमिनन को एग्जैजरेट कर दें अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में फिर ये आपको ट्रेवल करती हैं या जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है बिल्कुल ठीक है जी हाँ इस वक्त हम बात कर रहे हैं एंगजाइटी के हवाले से पैनिक अटैक के हवाले से डिप्रेशन के हवाले से अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर तमसील अवान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप बात कर सकते हैं टेलीफोन लाइन जो है वो खोल दी गई हैं स्क्रीन पैक नंबर आएगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप हमें ई करना चाहते हैं तो हेल्थ एट उमा चैनल डाट टी वी पर आप ई मेल भी कर सकते हैं जी हाँ अगर आप या आपके घर में किसी को ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हों और एंग्जाइटी हो पैनिक अटैक हो रहे हों तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप इस सिलसिले में आ, हमारे माहरीन से बातचीत कर सकते हैं तो जब अपने अपने ट्रेन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ट्रेन के साथ साथ वैसे कब ये क्या हर किसी ख़ास एज में ये इफेक्ट ज़्यादा होती है या किसी सूरत में भी हो सकती है इसका स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किसने क्या रिसर्च की है उनकी पॉपुलेशन किस तरह की है डिफरेंट आपको फिगर्स मिलेंगी रफली एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन हर चार में से एक आदमी को जिंदगी जिंदगी में किसी ना किसी वक्त शद एनजाइटी याद शद डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा लेकिन आम तौर पे वन ऑफ होता है एक दफ़ा हो गया एक दफ़ा फिर कभी हो गया तो वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन देखा गया है कि तकरीबन पॉपुलेशन का कहते हैं कि बिटवीन वन एंड फाइव परसेंट उनको शद प्रॉब्लम्स रहेंगी और वो उनको पूरी लाइफ तकरीबन तंग करती हैं अगर वो हेल्प ढूंढते हैं तो वो बेहतर है मसलन जी के पास आते हैं या किसी और से कोई बात करते हैं लेकिन अगर वो हेल्प नहीं लेते तो फिर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है तो इसको कहने का ये मकसद है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है इवन अगर फाइव परसेंट है तो एवरी ट्वेंटी में से एक आदमी को या एक औरत को ये प्रॉब्लम होगी और ये भी नंबर काफ़ी हाई गिना जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक फिगर है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख़ास तौर पर हमारी कम्यूनिटीज़ में एशियन कम्यूनिटी पाकिस्तान इंडियन या बंगलादेश इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का है वो ये है कि इसको बहुत बड़ा एक टबू बनाया गया है इससे बहुत लोग डरते हैं ये डरते बहुत है। बड़ा लेबल इस पर लगा देते हैं मसलन अगर मैं किसी को कहूँ कि इनको डिप्रेशन या एजाइटी की बीमारी है हमारे हिसाब से हम इसको बीमारी गिनते हैं लेकिन वो उनको कहेंगे ये तो पागल हो गया और बस पागल का एक लेवर लग गया तो उसके बाद फिर उस आदमी की या औरत की ज़िंदगी अजीरन और उसका इलाज हमने करवा इलाज फिर हम नहीं करवाते था। था। फिर उसकी कुछ और चीज़ें हम कभी शुरू कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रैक्टिशनर्स को भी पेशेंट्स को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी वो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसको हम आइडेंटिफाई करें पहले रिकगनाइज़ करें और मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम से अगर हम सिर्फ ये एक एक मैसेज निकालें लोगों के लिए कि अगर आपके ख्याल में आपको या आपकी किसी भी फैमिली को या किसी फैमिली मेबर को लगता है या शक है कि उनको एंगजाइटी या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो आप फ़ौर अपने जी पी से रबता करें और फिर वहाँ से काफ़ी चीज़ें की जा सकती अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि ये ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोगों को ये ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और कुछ लोगों को इससे कम इम्पेक्ट होता है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं क्यों कुछ लोग इसको ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं इसमें एक सिंपल आंसर और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है सिंपल आंसर तो ये है कि जो हमने स्टेटिस्टिक्स uh, में देखा है मसलन ख़ी को कहते हैं कि डिप्रेशन और एनजाइटी के मर्द के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं अब ये सिर्फ वो बात है कि हमें पता है कि खावीन ने ज़्यादा डॉक्टर्स को देखा इसलिए उस स्टडी में उनके खातिन के नंबर ज़्यादा हैं अक्सर और ख़ासतौर पर वही अब अपनी कम्यूनिटी की बात आते हैं कल्चर में कि आदमी को ऐसी बातें करना जेब नहीं देती हमारे हिसाब हम से वैसे डिस्कस भी नहीं बिल्कुल करते नहीं करते वी आर क्वाइट और दूसरा हम समझते हैं कि हम बड़े ब्रेव हैं अगर किसी से बात करेंगे तो अपनी कमजोरी जो कमजोरी हो है कमजोरी फील होगी बिल्कुल तो एक तो ये बड़ा रीज़न हो सकता है कि आदमी क्यों नहीं स्टडीज़ में ज़्यादा तो एक मैं मेरे ख्याल में ये कोई इतना इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है कि खातून है तो उनको ज़्यादा चांस है और आदमी है तो उसको कम ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है दूसरा ये कि ये वो फैक्ट ये देखा गया है कि जिस किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस होती है मसल डायबिटीज़ है या सीओपीडी है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं या एक्जिमा है सोराइसिस कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अरसे के लिए रहती हैं इंसान के साथ बाजा जब से डायग्नोस होती हैं उनकी मौत तक वो चीज़ें उनके साथ रहती हैं तो इन लोगों में भी डिप्रेशन ख़ास तौर पर होने का ज़्यादा चांस होता है और उसके अलावा फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ जेनेटिक इसमें कंपोनेंट भी है कि कभी कभी फैमिलीज़ में भी रन करती हैं लेकिन ये वही चीज़ है कि जिस पे कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कुछ बीमारियाँ जो हैं जैसे डिप्रेशन एंजाइटी, इसके साथ कुछ और इनके सबसेट्स आप समझ सकते हैं तो उसमें कुछ हैं जिनमें डेफिनेटली एक फैमिली कंपोजिशन होता है कि वो फैमिलीज़ में चलती हैं कुछ बीमारियाँ है। लेकिन आम तौर पे डिप्रेशन एनजाइटी किसी को भी हो सकती हैं और किसी इस... उम्र में हो सकती किसी उम्र में भी हो सकती हैं यूजली वो कहते हैं कि आपके टीन में या फिर अगर थोड़ा सा एल्डरली हैं अब, अब फिफ्टी उनको ज़्यादा चांस होता है लेकिन ये वही बात है कि ह्यूमन माइंड एंड बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इस तरह जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ अगर मैं बीस साल का हो गया तो बीस से पचास साल तक अब मुझे एनजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं मसलन आपकी एजुकेशन आती है आपका कल्चर ल बैकग्राउंड आता है आपका रिलीजस बिलीफ आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है कुछ लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं कि वो रिकग्नाइज करके फ़ॉर चले जाएंगे डॉक्टर के पास और कभी कभी हमारे पास मरीज़ आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड या आई फील आई हैव अ प्रॉब्लम विद एनजाइटी तो कभी कभी इस तरह आपको सीधे सीधे एक तरह से डायग्नोसिस बन के वो दे देते हैं आ, बना के लेकिन कभी कभी होता है कि यू हैव टू वर्क इट आउट और इसमें एक बहुत कॉमन जो हमें प्रेजेंटेशन मिलती है वो उसको कहते हैं सोमेटाइजेशन hmm. उसमें ये होती है कि आपको एक्चुअली फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आपको एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है और इसमें सबसे कॉमन है बॉडी एक्स एंड पेंस जिस में दर्द होती हैं मसलन बैक पेन है या टांग में दर्द है या कमर में दर्द है बाजू में दर्द है इसमें अब होता है कि मसलन अगर मैं आपकी हड्डियों का स्कैन कराता हूँ या एक्सरे करवाता हूँ उसमें सब कुछ नॉर्मल नज़र आएगा तो मेरे पास कोई फिजिकल रीज़न नहीं होगी कि मैं उस आदमी का या औरत का पेन एक्सप्लेन करूँ मैं कहूँगा भाई आपके हमने एक्सरे करवा लिया हड्डियाँ आपकी ठीक हैं जोड़ ठीक हैं हमने आपके ब्लड टेस्ट करा लिए आपको शायद कोई चीज़ मिल जाए लेकिन ज़्यादातर आपको कोई बीमारी नहीं मिलती उस सूरत में फिर हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं कि अब फिज़िकल बीमारी तो कोई नहीं है लेकिन इस पेशेंट की हम कैसे एक्सप्लेन करें कि इनको ये दर्द होती है वो तो कहते हैं भाई मुझे तो दर्द होती है मैं क्या करूं इसका तो ओब्सली दर्द वो चीज़ है कि आप उसको देख नहीं सकते नहीं। तो मसलन कोई रैश है मैं देख सकता हूँ कि हाँ आज छोटा है कल बड़ा हो गया अभी ड्राई है कल ज़्यादा वीपिंग है कोई बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं लेकिन दर्द उन चीज़ों में से है कि आप उसको देख ही नहीं सकते ना आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कभी हम स्केल यूज़ करते हैं कि अच्छा ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा दर्द कभी हुआ उसका उसका स्केल अगर टेन है तो ये दर्द उसके हिसाब से कहाँ आता है तो थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा देता है कि वो कहते हैं कभी कहते हैं टू या थ्री है इसका मतलब है कि वो माइल्ड पेन है उनको बाजूकत कहते हैं नहीं ये है, मेरी ज़िंदगी के शदीद तरीन दर्द से भी ज़्यादा है तो वो फिर हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है कि उनको कितना अफेक्ट कर रही है ये चीज़ और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी ओबली साइंसिस पे काम कर रही है सुरे बनी इसराइल की एक आयत है जिसमें अल्लाह कहते हैं कि हर इंसान अपनी शाखला के मुताबिक काम करता है या उसके अमाल होते हैं अब शाखिला जो है उसका डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से तर्जुमा किया है डिपेंड करता है कि उनका साइंटिफिक नॉलेज कितना है एंड रिलीजस नॉलेज कितना है शाखला का एक मीनिंग जो है वो डी भी हो सकता है अच्छा क्योंकि मेरे वालद साहब अभी फोत हो गए लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी इस पर और वो कहते हैं कि अरबी के कुछ ट्राइब्स हैं अरब के जिसमें वो औरतें मेंढ़ियाँ बनाती हैं जो बालों को ब्रेड करते हैं और वो फिर एक बनाती हैं फिर उसके बाद उनको इकट्ठा करके फिर एक और बनाया जाता है फिर उनको इकट्ठा करके एक और तो बार बार बालों को गूँधा जाता है अगर आप डी एन का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी तकरीबन इसी तरह का है कि आपके दो स्ट्रैंड होते हैं और उसको फिर इकट्ठा किया जाता है जैसे लैडर आप समझ लें फिर उसको रोल किया जाता है और उसके फिर इस तरह स्ट्रैंड्स बनते हैं तो मे भी वो एक मुशाबहत है जिसको आप कह सकते हैं एंड इट मे सेंस कि जो भी हम काम करते हैं मसलन एक तो हमारी बॉडी की फिज़िकल चीज़ें हैं आपका कलर है आपकी हाइट है आपके बालों का रंग है आँखों का रंग ये तो जाहिर बात है आपके डी एन ए में है लेकिन कभी कभी आपका रिएक्शन जो है लोगों की तरफ या हालात की तरफ वो भी हो सकता है कि डीएनए के अंदर लिखा गया हो बिल्कुल ठीक है जी बहुत सी बातें होंगी आज एंगजाइटी पे हम बात कर रहे हैं मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर तमसील अवान माशाला जीपी हैं और जीपी होने के ये एडवांटेज है कि आप कोई भी उनसे सवाल कर सकते हैं लेकिन ख़ास तौर पर अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है या आप समझते हैं कि इस किस्म के साइन और सिम्टम्स नजर आ रहे हैं आप में या घर के किसी फ़र्द में तो इस सिलसिले में आप सवाल कर सकते हैं सवाल टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर एक आ रहा है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप ई करना चाहें तो आप हमें ई कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है हेल्थ और जी हाँ मौसम के साथ साथ इसके क्या इम्पैक्ट हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ साइन और सिम्टम्स के हवाले से इलाज के बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि प्रिवेंशन के हवाले से हमें क्या करना चाहिए हमें अपना लाइफ स्टाफ कैसे कैसे बदलना चाहिए हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए कि एंगजाइटी जैसी बीमारी या इस जैसे हालात से हमें ना गुजरना पड़े उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए ये सारे सवाल हम अपने मेहमान से करेंगे अगर आप भी इस सिलसिले में कोई बात करना चाहते हैं अपने ख्याल आप तक पहुँचाना चाहते हैं या फिर अगर आप इस किस्म के हालात से गुजर चुके हैं और इस सिलसिले में आपने कोई इलाज करवाया या कोई अपने तौर पर इसका कुछ हल निकाला तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो डॉक्टर तमसीलावान अगर आपसे ये पूछा जाए कि थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बताया था कि अगर ट्रेन मिस हो जाए तो ज़रा आपको थोड़ा फ़िक्र होगी थोड़ा पसीना आना लोग और क्या निशान निशानियाँ हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए जो हमें एंगजाइटी की तरफ ले जाएंगी एंगजाइटी में मेनली यही होता है जो फिज़िकल एक हमारे एक बॉडी में सिस्टम है उसको कहते हैं फ़्लाइट फ्राइट एंड फ्लाइट कि जब भी आप पे कोई मुश्किल हालात आते हैं तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसमें फिर अक्सर यह होता है कि एक तो मूड ड्राई हो जाता है पसीना आता है दिल बहुत तेज़ धड़कता है आपको सांस बहुत तेज आने लगता है तो मेनली ये ये मेन सिम्टम्स होते हैं आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स एन्जाइटी के साथ डिप्रेशन में आमतौर पर इसका अपोज़िट होता है और उसमें एक तौर एक आमतौर पे हम एक क्वेश्चन यूज़ करते हैं उसको पी एच क्यू नाइन कहते हैं उसमें बेसिकली नौ no सवाल होते हैं और वो नौ no सवाल तकरीबन इंसान की ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है मसलन पहला है कि पिछले दो वीक्स में आपको बहुत लो मूड तो फील नहीं हुआ तो उसमें फिर आपके आ, हम चार ऑप्शन देते हैं पेशेंट्स को कि या तो बिल्कुल नहीं हुआ या कुछ दिन हुआ या तकरीबन हाफ़ डेज़ हुआ या तकरीबन हर दिन तो उसका फिर हम एक स्कोर आखिर में करते हैं इसी तरह होता है कि आपको कोई बिल्कुल होपलेसनेस तो फील नहीं हुआ आपको कभी ऐसे तो नहीं लगा कि आप फेलियर हैं या आप अपनी फैमिली के लिए या अपने आप के लिए आप जो चीज़ें करना चाहते थे आपको लगता है कि आप कुछ वो अचीव नहीं कर सके एक सवाल होता है कि वो स्लीप एनपीटाइट के बारे में होता है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती या बहुत कम तो नहीं लगती इसी तरह नींद जो है उसको बहुत ज़्यादा नींद आए या बहुत कम नींद आए एक और सवाल ये होता है कि उससे पूछते हैं कि ऐसे तो नहीं कि आप बहुत स्लो काम कर रहे हों या स्लो बोल रहे हों इतना कि आपके जो जानने वाले उन्होंने नोट किया हो कि बंदा तो बहुत तेज़ बोल रहा है या बहुत स्लो बोल रहा है आमतौर पर यह ऐसे नहीं होता तो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक में क्या फ़र्क है ये कोई पैनिक अटैक को आप एक तरह से कह सकते हैं टू सिंप्लीफाइड कि ये एनजाइटी का एक हाइटेंड या एग्जैजरेट वर्जन है तो बेसिकली एनजाइटी थोड़ी बहुत है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पैनिक अटैक बन जाती है और उसमें जैसे एक इलाज जो है जो कि उसकी सिम्टम को एक्सप्लेन करता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल लेते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो फिर ब्रेन को ब्रीथ करने का कोई बहाना नहीं मिलता क्योंकि ब्रेन में एक ट्रिगर होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से वो स्टिमुलेट होता है तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करके तेज़ ब्रीदिंग करके सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी तो ब्रेन कहेगा कि अच्छा मुझे अब ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है बॉडी में ऑक्सीजन काफ़ी है तो फिर वो उस आदमी का या औरत का सांस बंद हो जाता है क्योंकि ब्रेन कह रहा है कि आपको ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है उसमें फिर जाहिर बात है वो ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि अब तो मुझे सांस पे नहीं आ रहा और उसकी वजह से फिर इंसान ज़्यादा पैनिक हो जाता है पैनिक का आई डोंट नो कि उर्दू में कोई अच्छा वर्ड है या नहीं देखिए पैनिक, पैनिक ही कहेंगे मेरे ख्याल में, में आजकल इतना हाँ। वाइड स्प्रेड है तो बेसिकली उसमें एक होता है कि शदीद परेशानी अगर आप इसको कह दें तो वो हो जाती है कि अब मुझे सांस बहुत तेज़ आ रहा था फिर उसकी वजह से आपको या किसी को चेस्ट में बाजूत पेन शुरू हो जाती है ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो कभी कभी टिंगलिंग या पिंजे नीडल्स जिसको बोलते हैं कि हाथ पाँव में सुन होना होने की एक तरह से फीलिंग आती है तो ये मेनली एनजाइटी के हैं अब इन दोनों के पीछे जो एक बात मैं एम्फोसाइज़ करना चाहता हूँ कि एक और जो साइंटिफिक थ्योरी है या जो इन्होंने रिसर्च करके देखा है वो ये कि उनको लगता है कि बॉडी में जो खास तौर पर ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं उनको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं वो क्या करते हैं कि एक नर्व का मैसेज दूसरे नर्व तक पहुंचाने में मदद करते हैं तो इसमें दो मेन हैं एक को सीरोटोनिन बोलते हैं और एक को नोरड्रीन बोलते हैं तो ये दो मेन हैं तो बाज़ात इनकी आ, बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है कि बॉडी में इनका बैलेंस जो है वो ठीक तरह नहीं रहता और उसकी वजह से कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा एनजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं ठीक है बातों का सिलसिला जारी रहेगा आपको बता देता हूँ कि इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर तमसील अवान इस वक्त मौजूद हैं आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे अगर आप भी फ़ोन करना चाहें तो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इसके साथ साथ आप मेल भेज सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस है हेल्थ एट उमा चैनल डाट टी वी आइए चलते हैं बर्मिंग और बात करते हैं नई बाई से असल वाईकाम क्या हाल है लाभाईजान अल्लाह का शुक्र जी क्या कहना चाहेंगे मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था अभी आपने एक्सप्लेन किया है के बारे में जी जी मुख्तलिटांसिस की वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है ठीक तो एक एंग्जाइटी ये है कि अगर आप मॉर्फिन के ऊपर ठीक तो जो मॉर्फिन की टैबलेट्स के अंदर जो लीफलेट होता है उसके सबसे नंबर वन उसके ऊपर है कि इसके जो साइड इफेक्ट है आहाँ. वो एंग्जाइटी है थीक. तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंग्जाइटीज हैं या ये ये शॉर्ट टर्म हो सकती हैं या लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं और इन दोनों के दरमियान डिफरेंट क्या है ठीक है भाईजान बहुत अच्छा आपने सवाल किया इन हम डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में बात करेंगे प्रोग्राम देखते रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ जान भाई कई सवाल क्यों ले लेते हैं कि ये जैसे आप कोई भी दवाई ले लें बिल्कुल उसमें बड़े लीफलेट इतनी बड़ी होती है कि आप उसको पढ़ें तो आपको बिल्कुल खाने का दिल नहीं करेगा बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें तो मोफीन पे जो साइड इफेक्ट है उसमें भी एंगजाइटी का जिक्र है कि तो ये, ये क्या लॉन्ग टर्म होती है शॉर्ट टर्म होती है और फिर क्या इसमें और आम एंग्जाइटी में क्या फर्क है इसके लिए एक थोड़ा सा बेसिक अगर हम पीछे चले जाए एक स्टेप तो इसमें होता है कि डिप्रेशन एंड एंगजाइटी क्योंकि ये इकट्ठे हम इनको इनकोफाई करते हैं इन दोनों के कुछ थ्योरीज के मुताबिक दो रीज़न होते हैं एक को हम कहते हैं एंटोजनस और एक को हम कहते हैं एक्जोजनस अच्छा एक्जोजनस होता है कि बाहर के कोई हालात हैं जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन या एजाइटी हुई है उसमें आम तौर पे चीज़ें आती हैं जैसे हालात हैं किसी का बिजनेस ख़राब हो गया किसी के कोई बैंक्रपसी आ गई है कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई डेथ हो गई तो ये बाहर से कोई ना कोई एक बुरा स्टिमुलस आता है अपने ऊपर और उसके मुताबिक फिर जिसम जो है उसके साथ ये दिमाग उसके साथ कोप नहीं कर सकता उसको कबूल नहीं कर सकता और इसी एक्जोजनस में फिर ये ड्रग्स भी आ जाती हैं जो मेडिकेशन होती है ये हैं भी बाहर के हुआ ये बाहर के हालात में होगा इंडोजनस का आम तौर पर बहुत मुश्किल होता है कि वो उस तरह के आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है जिनको हमेशा ग्लास आधा खाली नजर आता है उनको हाफ फुल नज़र नहीं आता तो वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते वो फैसीमिस्टिक होते हैं तो उनके लिए कोई भी हालात आप उनको दे दें वो उसमें से नेगेटिव निकाल के परेशानों की बैठ जाएंगे ठीक है इस सिलसिले को जारी रखेंगे इस वक्त लंदन चलते हैं और इस वक्त हमारी एक बहन रिफत इंतजार कर रही है बहन हेलो डॉक्टर और सब सुनने वालों का मैं, मैंने ये कहना था मुझे चौबीस साल पहले से डिप्रेशन है अब तक डिप्रेशन है इंजेक्शन लगते हैं तो मेरा जब फैमिली में ऐसे कर मुझे सिर होता है तो मेरा ऐसा दिल दिमाग उड़ने लग जाता है जैसे पता नहीं क्या होता जैसे खला उगन, उगन, उगन है जैसे खाली में उड़ 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 रहा है दिमाग पे तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए आपसे आपको ये इस कैसे मैं कंट्रोल करूं मुझे इंजेक्शन भी लगते हैं इंजेक्शन लग रहे हैं आपको चौबीस साल थी थी दो दफा लगता है बिल्कुल बात होगी पर... हाफिजी जी हाँ जी नईम साहब की जो बात उस पर हो रहा है कुछ लोग जो है ना उनका ग्लास ये तो भरा हुआ ग्लास नजर आरोप है की बाजूका आपकी बॉडी का रिएक्शन इस तरह का होता है कि वो एक आम हालात को ज़्यादा एग्जाजरेट करके आप उससे उसका रिएक्शन आप देते हैं तो जहाँ तक ये नहीम साहब की बात है ओबली मॉर्फिन जो है ये पेन किलर्स में काफ़ी स्ट्रॉ तकरीबन स्ट्रॉगेस्ट है ये आ, ये कोकोडोमोल की एक बहुत स्ट्रॉग शक्ल अगर आप चाहें तो ये वो है आ, हर दवाई के अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लंबी लिस्ट होती है साइड इफेक्ट की आ, हमारे हिसाब से बहुत कम दवाइयाँ हैं जिनके बहुत थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन आम तौर पर हमारी प्रिस्क्राइबिंग का एक असूल ये होता है कि उसके कोई भी दवाई हम दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होने चाहिए और बैलेंस में फिर हम वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं इनका जो स्पेसिफिक सवाल था वो यही था कि मॉर्फिन की वजह से अगर एनजाइटी है या किसी और वजह से एनजाइटी है तो इनमें क्या फ़र्क है फ़र्क तकरीबन सेम यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनके दौरान में मॉर्फिन के साथ ये है कि आपको ये अंदाज़ा रह सकता है कि जब मॉर्फिन आप लेना बंद कर देंगे तो उसके बाद एज्जाइटी में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी डिपेंड करता है कि मॉर्फिन किस चीज़ के लिए ली जा रही है वो दर्द कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा टेम्प्रेरी है या परमानेंट है लेकिन वो ड्रग रिलेटेड अगर एनजाइटी आप देखें तो उसका आमतौर तौर पर सिम्पल फार्मूला यही होता है कि आप वो चीज़ लेना बंद कर दें तो आपको एज्जाइटी ठीक हो जाएगी उसके अलावा जो दूसरी तरह की एंगजाइटी है जो इंसान की अपनी एक तरह से पर्सनैलिटी या शाखला जो हमने कहा उसका जो हिस्सा होता है उसकी ट्रीटमेंट में फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत जिस तरह अभी मैं बता रही थी कि उनको चौबीस साल से डिप्रेशन का प्रॉब्लम है इंजेक्शन लग रहे हैं इस सिलसिले में बातों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इन ब्रेक के बाद इन हम अपने मेहमान से बहुत सी बातें करेंगे आ, इलाज के हवाले से बचाव के हवाले से और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि हम डिप्रेशन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक पर काबू पा सकें कहीं भी जाइएगा नहीं देखते रहेगा प्रोग्राम हमारी से लेकुम